मेरी जो है, मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध निर्मला जी से नहीं है, हालांकि वो हमारी यूनिवर्सिटी की हैं, तो ना उसकी कॉपी पता है, ना मैंने बजट सेशन सुना है, क्योंकि मैं सुबह ही आ गया था और प्रचार कर रहा हूँ, डोर टू डोर किया हूँ, और जो है अभी आकर के छात्र संसद किया हूँ। मैं प्रधानमंत्री हो तो नहीं, जो मन में आएगा वो बोल देंगे, तो मुझे एक्चुअली उसके बारे में कुछ नहीं पता है, सो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट फर्स्ट एंड सेकेंड। यस, वी आर हियर, वी आर डूइंग आवर वर्क, और ऐसा नहीं है कि आज आ गए हैं, आप सब जानते हैं, या आप किसी से भी पूछ लीजिए कि सड़क पे विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पिछले कई महीनों से, सालों से निभा रही है, इसको हर कोई स्वीकार करता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि वोट में ट्रांसलेट होगा कि नहीं होगा, ये तो जनता पे निर्भर करता है ना। हमारे लिए चुनाव भी संघर्ष का जो है एक जो है जरिया, एक प्लेटफॉर्म है। हम अपनी बात जिनको लेकर के हम लड़े हैं कि जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए हम संघर्ष किए हैं, और जो उस परिवार के लोग हैं उनको प्रत्याशी बनाना, 40% महिलाओं को टिकट देना, भर्ती विधान लेकर के आना, नौजवानों के लिए घोषणा पत्र तैयार करना, विद्यार्थियों के लिए और समाज के अलग अलग तबके के लिए, तो हमारी कोशिश है कि जिस सवालों को लेकर के हम लड़ रहे थे उन्हीं सवालों को लेकर के हम चुनाव में भी जनता से अपना उनका आशीर्वाद मांगेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो फिर हम उसको लागू करके दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी, आप खुद को कैसे देखते हैं, कभी जिन्ना आता है या बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल मतलब 5 साल के उसमें तो नहीं थे वो, जिन्ना हो या मुस्लिम हो, कब का हो गया देश जो है, और लेडी 47 में बट गया, कितना बांटेंगे इसको, ये लोग क्या करना चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, इस देश में रहने वाले लोग, सब लोग चाहे मंदिर जाते हों, मस्जिद जाते हों, देश सबका है और हमारे देश का विधान भी हमको यही कहता है, तो मेरी अपनी जितनी समझदारी है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग लेकर के आए हैं जो उनका पीआर कैंपेन तैयार करता होगा, मुझे लगता है कि सच्चाई को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है, झूठ बार बार जो है अपनी झूठी गवाही ढूंढ कर लाता है, सच सच होता है, देश सबका है, सबके रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और किसी के दावे से हमको क्या करना है, जनता जो दावेदारी करेगी उसकी जहाँ हिस्सेदारी होगी, उसका जो हमको जिम्मेवारी मिलेगा उसका हम निर्वहन करेंगे। आज आपके ऊपर एक इंसिडेंट हैपन हुआ, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण? देखिए, एक बात तो ये है ना कि इनको शायद लगता होगा कि एक कहावत है ना कि मरे घोड़े को चाबुक मारते हैं कुछ लोग, ये सोच करके कि जो है ये मुद्दा दौड़ जाए, तो जैसा कि आपने कहा बहुत सारे प्रयास वो करते रहते हैं, एक प्रयास इन्होंने और भी किया, लेकिन मेरा उससे क्या नुकसान होगा, मैं तो कहता हूँ कि आप किसी भी नज़रिए से देखें तो उसमें मेरा कोई नुकसान है नहीं, अगर अपनी पहचान के आधार पर वो देखें तो आपने अपने शहर के संस्कार को बदनाम किया, मेरा क्या लिया, जहाँ दुनिया भर में आपकी तहजीब मशहूर है, पहले आप उस तहजीब को आप खुद खराब कर रहे हैं, पर इसलिए जैसे आप में लग रहा है ये तो नहीं है, पर कुछ भी हो सकता था जो आपके ऊपर, तो क्या फर्क पड़ता है, गोली मारी गई है, 29 जनवरी को गौरी लंकेश का बर्थडे था, आप जानती हैं वो मेरी बायोलॉजिकल मदर तो नहीं थी, लेकिन जो है सी हैज अडॉप्टेड मी एज ए चाइल्ड, एज ए सन, सो इट इज़ ग्रेट ऑनर टू मी, दे हैव किल्ड टू हर, दे हैव किल्ड गांधी, दे कैन, वी डोंट केयर, वील स्पीक ट्रूथ एंड वी हैव बीन स्पीकिंग, द प्रॉब्लम इज कभी नहीं डरे हैं, द प्रॉब्लम इज कि इनको ना अब ये लगने लगा है कि इससे ना कोई फायदा नहीं हो रहा है, जनता ये बात खरीद नहीं रही है, जैसे एक पत्रकार साथी ने, अमूमन मैं इसका जवाब नहीं देता हूँ, आप एजेंसी से आप ये सवाल पूछ रहे हैं, एक पत्रकार ने कहा कि जो है वो कहते हैं देशद्रोह, अरे तो वो क्या कहेंगे कि जो है नहीं, हमारे जो है घर के दामाद हैं, हमारे जो घर जमाई हैं, क्या कहेंगे वो मुझे बताए, वो क्या बोलेंगे, जो मेरे विरोधी हैं वो तो मेरे लिए ख़राब ही बोलेंगे ना, अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आप बतौर पत्रकार उनसे सवाल पूछिए ना, सरकार में आप हैं, पुलिस आपके पास है, ठीक है, और ये टेनी का बेटा जेल में है, हम कैसे बाहर घूम रहे हैं, ये प्रश्न तो उनसे पूछा जाना चाहिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं ना वो ना साबित करेंगे, मैं तो सच के साथ खड़ा हूँ, मुझे थोड़ी साबित करना है, तो वो करते रहते हैं, लेकिन ये सब मुद्दा उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है, ठीक है, इनका मजाल नहीं है, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, पूरे देश में हमको ही जाने से नहीं रोकेंगे, हमको उत्तर प्रदेश आने से रोक देंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है ना बेटी रोटी का संबंध है, और ये आकर के जो है हमको राष्ट्रवाद समझा रहे हैं,
इनके किसी भी प्रयास में आपको कुछ ऐसा नहीं कुछ विचलित करने का प्रयास हो, क्योंकि अगर आप भरी ऊपर कोई केमिकल या कोई जैसा, देखिए एक बात हम आपको बोलें क्या होता है मैडम, सच सच मानने की बात है, अगर नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। मैं कैंट एरिया में डोर टू डोर कैंपेन किया हूँ साहब, कोई एक कंकड़ भी नहीं फेंक रहा है। तो ये प्रायोजित है, जब कोई चीज़ प्रायोजित है तब उससे क्या घबराना है। मान लीजिए अगर मैं पब्लिक में गया हूँ और आम पब्लिक हमको कुछ कह रही है, कोई पानी दे रहा है, कोई हालचाल पूछ रहा है, कोई गले लगा रहा है, कोई माला पहना रहा है, और हम ऐसे ही गए हैं, खुले में गए हैं, कोई कुछ भी फेंक सकता है। हमारे दफ्तर में आ करके फेंकने का विफल प्रयास करना, इसमें आपको नहीं लगता है अभी आप मेरे बाद उसके पास जाएंगे, उसका नाम पूछेंगे, उसको कोई भड़काया होगा, क्या करेगा बेचारा, को कोई कह दिया है, किया, उसकी कोई गलती थोड़ी है, उसके पीछे मैं हमेशा ही। और क्या होता है, वो जो प्रायोजित किया है, मैं कह रहा हूँ मैं अभी दिल्ली मतलब सॉरी जो कैंट एरिया है अपना लखनऊ कैंट, मैं घर घर कैंपेन कर रहा हूँ, कोई कंकर भी तो फेंकता, कोई गाली भी तो देता, कोई थूक कुछ भी तो करता, कुछ क्यों नहीं हुआ। और पता है तय समय पे इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, फिर वो बेसिकली थोड़ा पिटने के लिए आया था, हो सकता है जिम नहीं गया हो, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए भाई, ऐसी 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 जो है ना ऐसा एडवेंचर है जो मत किया कर। सब मेरे जैसे लोग नहीं होते हैं कि प्यार से छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे, ऐसे लोग नहीं होते, कई बार जो है प्रतिक्रिया में चले जाएंगे। हालांकि मैंने अपने साथियों से मना किया, कुछ नहीं कीजिए, वो आया अपना प्रयास किया, थोड़ा न्यूज़ बना उसका, ठीक है, अब मेरा क्या गया, धुलवा लेंगे 10 रुपये में जो है, या खुद धो लेंगे।